भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में कहर बरपा रहे कोरोना वायरस का अभी तक कोई भी इलाज या वैक्सीन नहीं मिल पाया। इस बीच प्लाज्मा थेरेपी से इस महामारी को हराने के लिए एक उम्मीद मिली है। देश में कोरोना वायरस का प्लाज्मा थेरेपी से पहला इलाज सफल रहा। दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गंभीर रूप से संक्रमित 49 वर्षीय व्यक्ति का सफल इलाज किया गया है। इस थेरेपी के बाद मरीज की हालत में सुधार हो रहा है। 4 दिन में ही मरीज के ठीक होने से डॉक्टर्स बेहद खुश हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मैक्स हॉस्पिटल में मरीज को सोमवार को वेंटिलेटर से हटा दिया गया। उसके बाद भी मरीज की हालत बेहतर बताई जा रही है। अस्पताल में ही एक परिवार के कई लोग बीमार होने के बाद भर्ती हुए थे, जिनमें 2 वेंटिलेटर पर थे। वेंटिलेटर पर रखे एक मरीज की मौत हो गई। बचे दूसरे मरीज पर प्लाज्मा थेरेपी का परीक्षण हुआ। डॉक्टर्स के अनुसार एक व्यक्ति के खून से अधिकतम 800 मिलीलीटर प्लाज्मा लिया जा सकता है। वहीं कोरोना मरीज के शरीर में एंटीबॉडीज डालने के लिए 200 मिलीलीटर प्लाज्मा चढ़ाते हैं। डॉक्टर्स के अनुसार इलाज में प्लाज्मा तकनीक कारगर साबित हो चुकी है। इस तकनीक में रक्त उससे लिया गया था जो 3 सप्ताह पहले ही ठीक हो चुका है। मैक्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुदीप बुद्धिराज ने बताया, इलाज में प्लाज्मा तकनीक कारगर साबित हो चुकी है। जिसने खून दिया वो मरीज 3 हफ्ते पहले ही ठीक हो चुका है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इस लाइक को शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।